बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने, और बन के मारा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सर खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है। एक यंगस्टर, एक ऐसा यंगस्टर सेलिंग पानी पूरी 200 इन ऑस्ट्रेलिया ऑन ऑस्ट्रेलियन सोयल। भाई ऐसा लग रहा है कि इंडिया टीम इस ऑस्ट्रेलियन टीम को एक मिन्नू टीम की तरह लीड कर रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हो। विराट कोहली शोइंग द ग्लिम्सेस, द विंटेज विराट कोहली व्हिच वी वर मिसिंग सिंस लॉन्ग। स्लोली बाहर वाला छक्का देखा, स्टोर्टी गार्ड का जख्मी होना देखा, देखा या नहीं देखा, स्टार को बनी बना लिया, पहले जयसवाल ने अब विराट कोहली ने। तो ये होता है जब किंग रोज करते हैं, किंग्स किंग नहीं किंग्स। पता यार थोड़ा ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा ख्याल श्याल करो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कोई ख्याल नहीं कर रहे, कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे। जयसवाल वो 22 साल का भाई लड़का है, वो मिचेल स्टार्क को आंखें दिखा रहा है, मिचेल स्टार्क को बोल रहा है कि भाई तुम्हारी बॉल ही स्लो आ रही है, 142 पे बॉल करा रहा है मिचेल स्टार्क, उसको बोल रहा है कि भाई तुम्हारी बॉल ही स्लो आ रही है। बताओ इतना कॉन्फिडेंस तो है भाई जयसवाल में। ऑस्ट्रेलिया की बेबसी देख के भाई साहब यही साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो जाल बिछाया था उसी जाल में वो खुद फंस चुका है। और जिस तरह मैं डे वन के आखिर से कह रहा हूँ कि ये मौका इंडिया को दोबारा नहीं मिलेगा। जयसवाल रोल मॉडल, ये दुनिया में अगर आपने किसी को देखना है मेहनत, ये बच्चा जिसके पास सोने की बैठने की रहने की उठने की बैठने की जगह नहीं थी, कोई जगह कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं रहा जहां ये झंडे नहीं गाड़ रहा। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़ा जी, वनडे का बन गया, वनडे का बॉलर जी, छोड़ा दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। बड़ी जबरदस्त सिचुएशन में है भाई इंडिया तो, मतलब यानी जो पिच थी उसका क्या बिहेवियर हुआ है ये सब हैरान हो गए हैं कि अब जिस तरीके से इंडिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग की है, अब एक समझ आई कि हाँ यार वो जो बुमराह ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था जब पहली इनिंग हुई थी इंडिया की, उसमें तो नहीं लगा क्या फैसला हुआ, लेकिन अब जो है देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यार ये फैसला बड़ा जबरदस्त हो गया। जयसवाल ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, ऑस्ट्रेलियन की अम्मा बहन एक कर दी भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले बेचारे परेशान हो गए, उनका रेंडी ओटर खत्म नहीं हो रहा कि हमारे साथ क्या किया जयसवाल ने, कोई नहीं सोच सकता था कि जयसवाल ऐसे ही नहीं खेल जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर। और पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया जाके प्रॉब्लम होती है ना, वो सेल्फ बिलीफ नहीं है कि हम यहाँ इनको हरा सकते हैं, देखिए स्किल का सिस्टम का वो सारा फर्क तो है। नजीब आप अपनी नजीब हम अपनी क्रिकेट को आप बीच में ना लाएं, ये दिल के लिए कौन क्वालिफाई करता है ये सीरीज जीत के। इंडिया के लिए सफर बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक जो मोमेंटम जो एक स्टार्ट चाहिए था ना इतनी बुरी हार के बाद, वो इंडिया की टीम को मिल गया और अब इसको कैरी ऑन करना चाहिए। एक ओवरऑल टीम एफर्ट लगी एक बुरी हार के बाद, वाइट वॉश होने के बाद बंदा सोचता है यार वाइट वॉश हुआ है तो मैं अगली जो सीरीज खेलूं कोई हल्की टीम से आ जाए, थोड़ी इज्जत बचा ले जीत के। अगली जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो न्यूजीलैंड से भी बड़ी टीम है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के अंदर इंडियन टीम की दूसरी इनिंग के अंदर इंडियन टीम ने स्ट्रॉन्ग बैटिंग की, यशवी जायसवाल के 161 रन, जो कि यशवी जायसवाल की ओपनिंग सेंचुरी थी और पहली मरतबा इतनी बड़ी सीरीज में इतनी बड़ी टीम के खिलाफ उसी के होम टाउन में सेंचुरी करना, ना सिर्फ सेंचुरी की बल्कि उनका साथ दिया किंग कोहली ने। इस मैच की सबसे खास बात यह थी कि इस मैच के अंदर किंग कोहली की फॉर्म बैक आई बहुत देर के बाद, ऐसा लगा कि किंग कोहली आज खेलने के फुल मूड में, और लगा ही नहीं सिर्फ विराट कोहली ने साबित भी किया अपने करियर की 83 यानी कि 83वीं सेंचुरी कर दी। 83 सेंचुरी करने का मतलब यह कि विराट कोहली ने अपने करियर को अजीम तरीन पीक पर पहुंचा दिया। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जिस मौके पर टीम को मजबूत स्टैंड की जरूरत थी, रोहित शर्मा के अलावा टीम में कोई मजबूत स्टैंड नजर नहीं आ रहा था, लेकिन विराट कोहली ने साबित किया कि किंग ऑलवेज किंग, वंस अ किंग रिमार्केबल किंग, क्योंकि विराट कोहली की जो सेंचुरी थी आज ऑस्ट्रेलिया के सामने ये वादे सबूत था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच ही सीरीज भूल जाए। आज के दिन दूसरी इनिंग के अंदर इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ उसके होम टाउन में 500 रन का पहाड़ जितना इतना बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है, जिसको चाहते हुए भी ऑस्ट्रेलिया को पूरा करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी मीडिया कहने कि आज के मैच में जितना मर्जी बड़ा टोटल हो जाता, लेकिन जो किंग कोहली की सेंचुरी है वो उस बात का निशानदेही करती है, किंग कोहली की फॉर्म वापस आ चुकी है और आगे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर किंग कोहली दोबारा सरप्राइज करेंगे, क्योंकि किंग कोहली बहुत देर से फोकस करते फॉर्म के ऊपर कि फॉर्म को बैक लाएं और आखिरकार वो फॉर्म को बैक ले आए। इतनी बड़े इवेंट में इतनी बड़ी सीरीज के अंदर इतनी बड़ी टीम के खिलाफ उसकी होम टाउन में सेंचुरी करना अपने कैरियर को बहुत ऊपर लेके जाता है, और दूसरी बात अपने आप को मजीद मोटिवेशन मिलती है कि जब मैं टीम को उसके होम टाउन में स्कोर कर सकता हूं तो मैं कहीं भी खेल सकता हूं। जो 200 बना चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं जयसवाल की, तो वो ऐसा लग रहा है कि तैयार करके आए हैं,
कि पहली इनिंग पर तो जीरो पर गए। कहते हैं देखो बेल दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया की बॉलर जो है वो इस टाइम पर बिल्कुल बेबस हुए पड़े हैं, उनकी अम्मा बहन निकल गई है। पीस के पीस ऑफ प्यार, हेलो भाई, हेलो जायसवाल नेक्स्ट बिग स्टार, भाई ही इज ऑलरेडी अ बिग स्टार, इससे बड़ा सुपरस्टार इस टाइम पर इंडियन टीम में फिलहाल मैं आपको कह रहा हूं कि आज के दिन तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। विराट कोहली अभी पीछे बैठे हैं, उन्होंने अभी बैटिंग नहीं की, अभी तक विराट कोहली जो है वो बैटिंग नहीं करी है, उसके बावजूद यहां पर बात करते जायसवाल की तो वो इस स्कोर को इतने लेवल पर पहुंचा चुके हैं कि अब इंडिया का जीतना 100% तय है। क्योंकि अगर आप बात करते हो स्कोर कार्ड की तो स्कोर कार्ड में सिंपली तौर के ऊपर आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म की चीज देखने को मिल रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम पर 275 फॉर जस्ट वन, सिर्फ एक विकेट गिरी है, 84 ओवर इंडिया ने बैटिंग करी है, 321 की ऑलरेडी ये लीड ले चुके हैं और यहां पर टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ी लीड लेकर अपना जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। देखो कल मैं यही कह रहा था कि पहले सेशन के अंदर इंडिया ने अपना टारगेट अचीव करना है, उनको नहीं देखना भाई किसी चीज के बारे में कि भाई हमने जो है वो इतना छक्के मारने इतना चौके मारने, सबसे पहले पहले सेशन के अंदर अपना टारगेट अचीव करो। टारगेट अचीव कितना फेंटा लगने वाला है अभी भी, और क्योंकि विराट कोहली का बल्ला भी चल गया हुआ है, विराट कोहली रुक नहीं रहा, 40 पे नॉट आउट खड़ा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जायसवाल था डिजर्विंग 200 था, नहीं कर पाया, 161 के ऊपर आउट हो गया, मिचेल मार्शस को आउट करते हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के गया जायसवाल। भारत इस वक्त 359 के ऊपर खड़ा हुआ है, 5 आउट है भारत के, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। कोहली की सेंचुरी करवा दो, अगर कोहली खेल रहे तो उसको खिला दो, लंबा खिला दो कोहली को, जिसको कहते हैं ना डिक्लेयर मत करना, विराट कोहली का अगर बल्ला चल पड़ा है तो इसकी सेंचुरी लाजमी करवाना, मैं तो कहूंगा ये चीज। अगर बेशक आज के दिन का खेल खत्म हो जाए, कोहली 90 स्कोर पे ही हो, तो कल उसको बैटिंग करवाना, बड़े दिन पड़े हैं अभी, बड़ा टाइम पड़ा है, ये मैच का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन विराट कोहली को जब तक वो खेल रहा है उसको खिलाना है, ताकि उसकी फॉर्म जिसको कहते हैं ना वापस प्रॉपर तरीके से आ जाए। 40 कर दिया, 40 बड़ा अच्छा उसने किया है। इसमें अब लोग बातें करेंगे पिच तो सीधा है, बिल्कुल पिच सीधा है, इस सीधे पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी मार ले। क्रिस्टोफर हेनरी गेल एंड जायसवाल, रोल मॉडल, ये दुनिया में अगर आपने किसी को देखना है मेहनत, ये बच्चा जिसके पास सोने की बैठने की रहने की उठने की बैठने की जगह नहीं थी, कोई जगह कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं रहा जहां ये झंडे नहीं गाड़ रहा, एक इनिंग में फेल हुआ, हो जी ये तो बड़ा फंसेगा, आप किसको ले गए हैं? आज से कहा था भाई जान ये नहीं फंसता, ये नहीं फंसता, क्या राहुल के वाले से लोग देखे बार बार उसे सरफराज के ऊपर अहमियत दी, कहा गया कि भाई सरफराज नहीं आपको के एल राहुल 201 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को इतना हैपलेस, इतना टूथलेस, इतना बेरयारो मददगार, इतना यतीम, इतना मस्कीन, और अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है अबे गधे के बच्चों, अगर वो वटा मार रहा बुमराह पूरी दुनिया में, एक रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को इतना हैपलेस, इतना टूथलेस, इतना बेरयारो मददगार, इतना यतीम, इतना मस्कीन, और अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है अबे गधे के बच्चों, अगर वो वट्टा मार रहा बुमराह पूरी दुनिया में, तुम्हारे असल में अकलों पे पत्थर पड़ गया, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलता नहीं है। काश अगर इंडियन मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से टाइम थोड़ा निकाले और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे हराने के बजाय, झुकाने के बजाय 150 पे बात है। जायसवाल साहब ये सामने लिखा ना जायसवाल, तो ही हैज बिकम अ वॉल, राहुल द्रविड वाज अ वॉल, नाउ दिस इज जायसवाल गाय, ही इज अ न्यू वॉल, क्या ही शाहकार किस्म की एक बारी खेल रहा है। और कल